हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम मेयर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और मेयर फॉर्मूला जो है बेटा, ये एक रिलेशनशिप है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा इन दोनों क्वांटिटीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे लास्ट लेक्चर में, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। सो द टुडे टॉपिक इज मेयर्स फॉर्मूला। और इस मेयर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम वही अपना एक स्टैंडर्ड टूल जो है उसको यूज करेंगे, और वो है एक सिलेंडर जिसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो फिट किया है और उसके अंदर गैस के कुछ मोल्स जो हैं हमने ले लिए हैं। राइट बेटा, इस बार जो गैस के हमने मोल लिए हैं वो लिए हैं 1 ग्राम मोल। दैट मींस द मोलारिटी ऑफ दिस गैस इज 1। राइट, अब बेटा इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम दो केस जो है उनको डिस्कस करेंगे। केस नंबर वन बेटा, सबसे पहले मैं इस सिलेंडर को हीट करूंगा, इस सिलेंडर को मैं कुछ हीट जो है प्रोवाइड करूंगा और इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि जो गैस का जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या रहे, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट रहे। राइट, अभी जो इनिशियल पैरामीटर इस सिस्टम के हैं उनको हमने लिया है पी, प्रेशर इज पी, वॉल्यूम इज वी एंड टेम्परेचर इज टी। राइट बेटा, इस गैस को, ये गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर ऊपर से कुछ प्रेशर लगा सकते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ वेट रख सकता हूं जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जो है वो ना उठे, तो इस गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। राइट, सो इस गैस का टेम्परेचर, अगर एक छोटा सा टेम्परेचर, एक बहुत ही इंक्रीमेंटल चेंज इसके टेम्परेचर में मैं करता हूं dT, तो इस गैस को मैंने कितनी हीट दी होगी, इसको मैं एक फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूला है उससे ड्राइव कर सकता हूं, उससे निकाल सकता हूं। और बेटा वो फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू म्यू सी वी एंड डी टी, म्यू सी वी एंड डी टी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि म्यू सी वी टी। राइट, अब हमने जो टेम्परेचर में चेंज किया है वो एक बहुत छोटा सा चेंज किया है, तो मैं इसको डी टी लिख लिया। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, और मोलैरिटी मेरी 1 है तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हीट आपने कितनी दी, एक छोटी सी हीट दी, और इस छोटी सी हीट की वजह से ये छोटा सा टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ। सो dQ इज इक्वल टू cv dT। राइट, सो dQ इज इक्वल टू cv dT। राइट, अब बेटा अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका यूज करेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बेटा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो मुझे बताता है कि dQ इज इक्वल टू dU प्लस dW। इस इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dU प्लस p dV। राइट, जहां पर dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। बेटा पर वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट रखा है, तो dV बेटा क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। So what we will have right now, that is dQ is equal to dU. बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो है कंसीडर कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग। राइट, नाउ बेटा अब हम सेकंड केस को कंसीडर करेंगे, और केस नंबर 2 में हमारी जो अप्रोच रहने वाली है
उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। केस टू में बेटा ये जो मेरे पास मेरा जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो गैस है, अब हमने चेंज क्या किया है, इस सिलेंडर में हमको हीट देनी है। जैसा हमने पिछली बार हीट प्रोवाइड कराई थी, इसको हम हीट देंगे, लेकिन इस बार हमको क्या रखना है, जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है और इनिशियल जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर इस सिस्टम के हैं वो पी वी और टी ही है, राइट। बेटा इस बार मैं एक चीज का ध्यान और रखूंगा कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वो मुझे उतना ही चेंज करना है डीटी जितना पिछली बार किया था, राइट। सो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हीट गिवन टू इंक्रीज द टेम्परेचर डीटी, वो आपका इस बार डी क्यू डैश इज इक्वल टू हमने लिखा म्यू सी पी डी टी, राइट। और अगर म्यू मेरा वन है देन डी क्यू डैश इज इक्वल टू सी पी डी टी, इफ म्यू इज इक्वल टू वन देन डी क्यू डैश इज इक्वल टू सी पी डी टी, राइट। अब बेटा हम फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे क्या बताता है, डी क्यू डैश इज इक्वल टू डी यू डैश प्लस पी डी वी, यानी कि डी डब्ल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, पी डी वी। और बेटा इस बार तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये वाली टर्म इस बार जीरो नहीं होगी। अच्छा, अब हम एक चीज को एक 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 फैक्ट है उसको जरा विजुलाइज करेंगे दोबारा से। बेटा चाहे मेरा केस नंबर वन हो या मेरा केस नंबर टू हो, दोनों ही केसेस में हमने जो टेम्परेचर में जो चेंज किया है, जो हमने टेम्परेचर में चेंज किया है वो सेम है डीटी। और बेटा अगर ऐसा है, अगर टेम्परेचर में चेंज अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होगी उसमें चेंज जो है वो सेम होंगे। तो इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो डी यू है वो किसके बराबर होगा, डी यू डैश के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन में मैं चेंज करके लिख सकता हूं, दैट मीन्स डी क्यू डैश इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और अगर हम पिछला केस देखें तो उसमें हमें जो एक इक्वेशन मिली है वो क्या मिली है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, और हमारा डी क्यू क्या है, सी बी डी टी। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है दैट डी यू इज इक्वल टू सी बी डी टी, राइट। अब बेटा ये वैल्यू जो है हमें अपनी करंट इक्वेशन में जो है इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो डी क्यू डैश इज इक्वल टू सी बी डी टी प्लस पी डी वी, राइट। और अब बेटा मैं क्या करूं, ये जो डी क्यू डैश है इसको मैं डी क्यू डैश की वैल्यू यहां से लाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो व्हाट आई विल रिसीव सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं कि ये जो सी वी डी टी टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं। सो व्हाट विल आई हैव, सी वी डी टी सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी, राइट। अब इसमें थोड़ा से और हम चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस के लिए बेसिकली मुझे क्या करना है कि मैं यहां से जो डी टी है बेटा वो कॉमन निकालूंगा, डी टी मैंने कॉमन निकाल लिया, राइट। सो व्हाट आई हैव, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डी वी, राइट। एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डी वी बाई डी टी, राइट। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डी वी बाई डी टी। नाउ
बेटा आई आल्सो नो के आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, और अगर मैं यहां पर म्यू वन रख रहा हूं देन इट विल बी आर टी, सो पीवी इज इक्वल टू आर टी, राइट बेटा। इस इक्वेशन को अब मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाला हूं, सो व्हाट आई हैव दैट मींस P dV by dt, because P तो कांस्टेंट है राइट, और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में R कांस्टेंट है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं सो व्हाट आई हैव d ओवर dt ऑफ t, सो ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपकी आ जाएगी 1, सो व्हाट आई हैव R, दैट मींस P dV by dt इज इक्वल टू R, P dV by dt is equal to R. बेटा अब ये वैल्यू हमें यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है राइट, और अगर मैं ऐसा करता हूं सो व्हाट आई हैव बेसिकली CP माइनस CV is equal to R, राइट बेटा दिस इज माय मेयर्स फॉर्मूला।